विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कक्षा 10 विषय हिंदी, काव्य 13। काव्य का नाम है साधुपदेश। काव्य के नाम से ऐसा लगता है साधु कोई उपदेश देना चाहता है। इसके कवि का नाम है काका हाथरसी। कवि का जन्म 1906 और निधन 1975। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार हैं। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। यहाँ कवि का जो तखल्लुस उपनाम है वह काका हाथरसी है और उसका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। हिंदी की सुप्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थीं। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। हास्य व्यंग के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। तस्वीर में धर्मयुग और वीणा जो उनकी रचनाएं थी वह दिखाई है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात कोई सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक ओर हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डाल माला में दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथा कथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन गठंत बातें किए जाते हैं। यहाँ आपको एक ढोंगी धूर्त बाबा की तस्वीर दिखाने का प्रयत्न किया है। अब काव्य को समझें। आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में वो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो धूर्त बाबा होता है, ढोंगी बाबा होते हैं, वह कहते हैं कि आए प्रिय भक्तगण मुझसे कुछ आप उपदेश, जो मैं सलाह सूचन दूँ, ज्ञान दूँ, वह तुम सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, तुमने पोथी यानी पुस्तक, तुमने अनेकों पुस्तक पढ़े होंगे। आज कुछ गुण लीजिए, लेकिन आज मैं जो उपदेश देता हूँ वह आप अपनाए। हाथ में वो गोमुखी, गोमुखी यानी एक ऐसी थैली जिसमें माला रख कर
भगवान का नाम स्मरण किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि आप अपने हाथ में एक गौमुखी रखें और उसमें माला सदा हिलती रहे। गौमुखी लेकर आप बैठ जाए और अंदर माला है, उसका मोती है, वो एक के बाद एक हमेशा फिरता रहेगा। नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। आपको दिखावा ऐसा करना है कि आप में नम्रता, विनय, विवेक बहुत है, लेकिन आपका मन क्या करता है, तो भीतर छुरी चलती रहे, कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता रहता है, यानी कि कहना कुछ और मन में करना कुछ। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। यहाँ कवि कहता है कि क्या करना है, तो कैसे कहते हैं कि ढोंगी बाबा है, उसे नगर के बाहर एक बगीचे में झोपड़ी बना लेनी चाहिए। अपना ढोंगी होने का देखाव कैसे करें। दीप जैसी दे चमके, सिप जैसी खोपड़ी। दीप यानी दिया, दिया जैसी उसकी ज्योत है, उसकी देह चमकने लगे। सिप जैसी खोपड़ी, सिप यानी समुद्र से मिलने वाले छिप, उसकी तरह जैसे सिप चमकती है उसी तरह उसकी मस्तक भी चमकने लगे। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। यहाँ कहते हैं कि ढोंगी बाबा, उसके बाबा होने के कारण कोई उससे कोई बात को लेकर तर्क यानी दलील करना, तो दलील करने उसके सामने आ जाए और वह उसका जवाब न दे सके, तो उसकी पोल खोल जाना। पोल यानी उसका दोष, छुपी बात जो सामने न आए। इसलिए भय से लगे मत कांपना, तुमको पता नहीं है यह तुम जानते हो, तो भय के कारण डर से कांपना यानी कांपने लगना, ध्रुजने लगना, तो आप कांपना मत। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और ब्रह्मा क्या है। यहाँ ब्रह्मा का तस्वीर है और यह है एक ढोंगी बाबे की झुपड़ी। तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। यहाँ कहना चाहते हैं ये तू कौन है और मैं कौन हूँ, यह स्लेट पर लिख दो महोदय, जो बड़े व्यक्ति है उसलिए यह संबोधन किया जाता है, और सामने आए लोगों से आपको यह कहना है, तुम आए तो मेरे पास ज्ञान लेने, लेकिन आजकल मेरा मौन व्रत चलता है, और आपको उत्तर देने के लिए जो धर्म संकट आ पड़ा है, उस धर्म संकट से मुश्किली, धर्म संकट यानी मुश्किली मुसीबत, तो उस मुसीबत से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा, इस युक्ति से कट जाएंगे। जब आप ऐसा बता देंगे कि मेरा मौन व्रत चलता है, तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। आपके बताने से तुम्हारे सामने जो तर्क करने, दलील करने के लिए जो विद्वान आए हैं, वह सब आपके सामने से दूर हो जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेचा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। किए जा निष्काम सेवा, निष्काम यानी निस्वार्थ, यहाँ कहना चाहते हैं किसी प्रकार का स्वार्थ रखे बिना तू सेवा का कार्य करते जा, सब फलेच्छा छोड़कर, जो कार
काम करते हैं उसका फल क्या मिलेगा, यह सब छोड़कर। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। फल की इच्छा रखना, यहाँ कटाक्ष करते हुए कवि कहते हैं, तुझे फल की याद आए तो जो फल पपीता है उसे तोड़कर तू खा लेना। तो स्वर्ग का झगड़ा गया और नरक मिलेगा, यह भय भी निकल जाएगा। जब तुझे ऐसा लगे कि अब पाप का घड़ा भर गया है तो क्या करना है, तो कहते हैं काशी पहुंचकर फोड़ दे। पाप मोचिनी काशी नगरी है, वहाँ जा और पाप का घड़ा उस काशी के नदी में, पाप मोचिनी नदी है उसमें जाकर तू फोड़ दे, तेरे सब पाप खुल जाएगा। तो इसमें कवि काका हाथरसी आज के जो ढोंगी बाबा है उसके पर कटाक्ष किया है।